हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहनाज अपडेट्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को राहिल की म्यूज़िक एल्बम सॉन्ग रिलेटेड कुछ अपडेट्स देने वाली हूँ। सो या इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सो गाइस, राहिल की म्यूज़िक एल्बम। सो गाइस, मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया था, जो वरुण विल्ला है उन्होंने टाइमिंग दी है राहिल फैंस को, जो 23 अगस्त, आप लोगों को पता होगा आज 23 अगस्त है। सो आज न्यूज़ आ जाने वाली है। सो अभी तक न्यूज़ नहीं आई है, सुबह से अभी शाम हो चुकी है बट अभी तक न्यूज़ नहीं आई है। सो अगर रात को न्यूज़ अगर आती है सो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइस, अभी हम लोग राहुल सुधीर एंड हलीशा के न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड अब बात कर लेते हैं, और राहिल के म्यूज़िक एल्बम सॉन्ग मतलब आने के चांसेस है, आ सकते हैं या नहीं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। सो हलीशा के प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। हलीशा भी फ्री हुई है। अब हलीशा कहाँ है? जी हाँ, सो हलीशा भी मुंबई पे है। आप लोगों जो फंक्शन था IIS मतलब इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड का जो फंक्शन हुआ था सो वो मुंबई पे हुआ था। सो बेसिकली हमारी हलीशा मुंबई पे ही अभी होगी, चंडीगढ़ से वो आ चुकी होगी। एंड आप लोगों को बता दें कि राहुल सुधीर अभी मुंबई पे नहीं है। आप लोग सोचेंगे वो भी मुंबई पे हैं हलीशा के साथ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुंबई पे नहीं है। जब आइकॉनिक अवार्ड का, इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड का जब उनको अवार्ड दे चुके थे सब लोग, तो उसके बाद वो 2-3 घंटे थे, उसके बाद वो देहरादून के लिए निकल चुके थे। जी हाँ गाइस, अभी ये न्यूज़ आई है। सो अगर राहुल सुधीर अभी मुंबई पे होते तो वो अभी कोई न्यू प्रोजेक्ट को साइन कर चुके होते, या फिर साइन करने की मतलब कोई प्रोजेक्ट उनको ऑफ़र हो जाती। अगर कोई प्रोजेक्ट ऑफ़र होती हम लोग को झटाझट न्यूज़ आ जाती है। तो कोई प्रोजेक्ट ऑफ़र तो नहीं हुए, सो ऑब्वियसली वो तो देहरादून पे ही होंगे, और देहरादून पे अगर होंगे सो वो कोई न्यू प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे होंगे। एग्जैक्टली वो पहले भी एक देहरादून पे वो पहले थे, फिर वो एक प्रोजेक्ट की तैयारी मतलब एडवर्टाइज की तैयारी करके फिर वो जो है चंडीगढ़ गए थे, फिर वहाँ पर उन्होंने शूट किया साइन करके उस एडवर्टाइज को। सो ऐसे वो अभी कोई प्रोजेक्ट को अभी देखेंगे। और अभी राहिल की म्यूज़िक एल्बम, जी हाँ गाइस, राहिल की म्यूज़िक एल्बम आने के कितने परसेंट चांसेस है, मतलब कब आ सकता है, कैसे, मतलब किस चीज़ से ज़्यादातर हम मतलब आ सकता है, तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बस बताऊंगी। मैंने पहले एक वीडियो डाली थी कि पायल देव ऑफिशियल, पायल देव जी को आप लोग जो है उनके पोस्ट पे कमेंट करो कि हमारी राहिल की म्यूज़िक, प्लीज़ मैम राहिल की म्यूज़िक एल्बम सॉन्ग लाइए। सो आप लोग वैसे ही करो, वो चीज़ काम आ सकती है। एंड जो वरुण विल्ला है उन्होंने आज का डेट दिया था, बट उन्होंने अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दिया है। सो मैं आप लोगों को झूठ बात तो नहीं बोल सकती, और वो भी अपडेट के मामले में झूठ, ये एकदम ही गलत सी बात है। सो आप लोगों को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर मुझको कोई अपडेट मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो इस वीडियो का ना यहीं पे एंड करती हूँ, ज़्यादा बकवास नहीं। और मेरा जो है, और अभी मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, सो मुझे अभी थोड़ी सी मेरे पढ़ाई पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मेरा फाइनल जो एग्ज़ाम है वो अभी से 4 महीने बाद है। आप लोग सोचेंगे 4 महीने बाद है, अभी तो बहुत टाइम है, बट पहले से हम लोग को पढ़ना भी पड़ता है ताकि हम लोग उस चीज़ को ठीक से समझ सके। सो इसलिए मैं अभी ज़्यादातर तो मैं लॉन्ग वीडियोस ही डालूँगी, दिन में 1-2 लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट अपडेट। तो गाइस यही था बस अपडेट। और आप लोग, मैं अभी 2 इंस्टाग्राम अकाउंट अभी चलाती हूँ मेन जो मेरे हैं, एक तो रियांश ऑफिशियली 555 और एक न्यू खोला है शहनाज 555 355। सो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मेरी न्यू आईडी की लिंक मिल जाएगी, उसमें मैं आप लोगों को मोस्ट पॉपुलर जोड़ी के रैंकिंग सब सारे के सारे चीज़ें वहीं पे डालूंगी। यूट्यूब पे और नहीं डालूंगी, यूट्यूब पे डालूंगी, बट इंस्टाग्राम पे मेरी खुद की एक चीज़ खुद की है। सो आप लोग को उसको जाके जो है फॉलो कर लीजिए, एंड मेरे सारे के सारे पोस्ट पर लाइक एंड मेरे को स्टोरी पर वोट कीजिएगा। सो गाइस यही था बस, आप लोगों को बता दिया जो मेरे से रिलेटेड था एंड राहिल से रिलेटेड था, मतलब राहुल एंड हलीशा से रिलेटेड था। एंड उसके बाद ममता मैम और राहुल सुधी से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगी। अभी मेरे जो है थोड़ा सा, अभी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि अभी ज़्यादातर जो है वीडियो बनाना बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि बहुत आवाज़ आती है। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड होता है, बस अगले वीडियो में मिलते हैं।